भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिव रतन शर्मा का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दिया गया बयान उनके लिए मुसीबत बनकर आया है। पूर्व महापौर किरणमयी नायक और कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने शिव रतन शर्मा पर आईपीसी की धारा 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आपको बता दें, पिछले दिनों शिव रतन शर्मा के नाम से भाजपा ने अधिकृत बयान जारी कर कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा बीते दिनों में जो ओशी बयानबाजी की गई थी वो बयान भूपेश बघेल का है, हम तो वही बात दोहरा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं का राजनीतिक प्रकरण को समाप्त करने की बात है, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक विधायक, दो तीन चार बार के विधायक, सचेतक, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां, और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये मेरे अधिकृत बयान नहीं थे, पार्टी ने भी उसमें स्टैंड लेकर उसको वापस किया, एक बड़प्पन दिखाई दिया। लेकिन एक तरफ बीजेपी बड़प्पन दिखाई दे रही है और एक कांग्रेस की जो पार्टी है, जो कांग्रेस की सरकार है, ये अपने छोटे मन को यहां पर दिखा रही है कि इसके खिलाफ में एफआईआर कराती है। संभल पुलिस का मिशन